हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गरिमा। दिस सेशन इज़ फॉर जेएनएम सेकेंड ईयर एंड द टॉपिक इज़ एम्बिगुअस जेनिटेलिया। एम्बिगुअस रेफर्स टू बीइंग डिफिकल्ट टू क्लासिफाई एंड जेनिटेलिया रेफर्स टू सेक्सुअल ऑर्गन्स। सो एम्बिगुअस जेनिटेलिया मीन्स इट इज़ अ कंडीशन इन विच चाइल्ड्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया डोंट अपीयर टू बी क्लियरली ईदर मेल और फीमेल। Introduction. Ambiguous genitalia is a congenital abnormality evident at birth which indicates having external genitalia that are not distinguishable as being of either sexual form. It is a condition with discrepancy between the external genitals and internal gonads. The condition is termed as hermaphroditism. Ambiguous genitalia एक इनबॉर्न एबनॉर्मैलिटी है जो कि एट बर्थ ही विजिबल हो जाती है। इसमें क्या होता है, जेनाइटल्स मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड होते हैं या फिर फॉर्म्ड ही नहीं होते हैं, या फिर चाइल्ड शो करता है फीचर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, मीन्स एक फीमेल है तो वो फीचर्स शो करेगी मेल्स के भी प्लस फीमेल्स के भी। हमने यहाँ फीचर्स किसको बोला है, फीचर्स हमने बोला है सेक्सुअल ऑर्गन्स को एंड गोनाड्स को। गोनाड्स क्या होती हैं, गोनाड्स सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। जैसे फीमेल में सेक्स ग्लैंड ओवरीज होती हैं एंड मेल्स में सेक्स ग्लैंड टेस्टीज होती हैं। देन इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ लैक ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्स ग्लैंड्स। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ सिमिलैरिटी, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है लैक ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्स ग्लैंड्स। मतलब एक फीमेल है ना, एक नॉर्मल चाइल्ड में क्या होता है, अगर वो मेल है तो उसके पास उसका खुद का सेक्सुअल ऑर्गन होगा, मतलब उसके पास पेनिस होगा सेक्सुअल ऑर्गन में एंड सेक्स ग्लैंड्स में टेस्टीज होंगे, है ना। तो ये सिमिलर है ना। ऐसे ही फीमेल्स में अगर एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल चाइल्ड है तो उसके पास उसका खुद का सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब उसके पास वेजाइना होगा एंड सेक्स ग्लैंड्स में उसके पास ओवरीज होंगी। बट इस कंडीशन में क्या होता है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ सिमिलैरिटी होती है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं होती है। जैसे एक चाइल्ड है, मेल है ना, तो उसके पास अगर उसको खुद का सेक्सुअल ऑर्गन होगा है ना, तो उसके पास फीमेल्स के सेक्स ग्लैंड्स होंगे, है ना। और अगर उसके पास फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन होगा तो उसके पास खुद के सेक्स ग्लैंड्स होंगे, ओके। और ऐसे ही सेम फीमेल्स में होता है। इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडिटिज्म भी बोलते हैं। इंसिडेंस रेट 1 in 2000 लाइव बर्थ्स। क्लासिफिकेशन, ambiguous genitalia is further classified into two parts. First is true hermaphroditism, then second is pseudo hermaphroditism. First is true hermaphroditism. In this condition, the individual have both ovarian and testicular glands either in the same or opposite gonads. इसमें क्या होगा, अगर एक child के पास या तो बोथ ग्लैंड्स होंगे, मतलब अगर एक फीमेल है तो उसके पास ओवरीज भी होंगी एंड टेस्टीज भी होंगी ग्लैंड्स में, है ना, या फिर अपोजिट गोनाड्स होंगे, या फिर अगर फीमेल है तो उसके पास जो सेक्स ग्लैंड होंगे वो मेल्स के होंगे। और ये एक बहुत रेयर कंडीशन है। देन सेकेंड इज स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। इन दिस कंडीशन द इंडिविजुअल्स have sex glands of one sex but genitals of the opposite sex. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें gonads मैंने आपको क्या बताया था, sex glands, है ना। तो इस वाली कंडीशन में gonads जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं बट genitals जो होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फीमेल है
तो उसके पास गोनाड्स मतलब उसके पास उसकी ओवरीज होंगी, बट जो उसका उसके जेनाइटल्स होंगे वो अपोजिट सेक्स मतलब उसके पास जो जो जेनाइटल्स होंगे वो मेल्स के होंगे, है ना। सेम एज अगर कोई अगर मेल चाइल्ड है तो उसके पास उसके गोनाड्स होंगे मेल गोनाड्स होंगे, बट जेनाइटल्स जो होंगे वो फीमेल्स वाले होंगे। नाउ दिस कंडीशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म देन मेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। फर्स्ट वन इज़ अ फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय गोनाड्स आर ओवरीज बट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर विरलाइज्ड। ये एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये फीमेल में होती है तो उसमें गोनाड्स जो होते हैं मतलब सेक्स ग्लैंड्स जो होंगे वो फीमेल के ही होंगे, बट जो जेनाइटल्स हैं वो विरलाइज्ड है। विरलाइज्ड क्या होता है, विरलाइज्ड इज़ अ कंडीशन इन विच अ वूमेन डेवलप्स मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड अदर मस्कुलाइन फिजिकल ट्रेड्स, है ना। विरलाइज्ड एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फीमेल्स के पास जो फीमेल्स के पास मस्कुलाइन फिजिकल ट्रेड्स होते हैं, उसका जो उसके पास जो फीचर्स होंगे ना वो सारे मेल्स वाले होंगे, है ना। जैसे कि उसकी जो आवाज़ होगी वो भारी होगी, है ना। बॉडी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ इंक्रीज्ड होगा, ब्रेस्ट साइज जो होगा वो डिक्रीज्ड होगा, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस होगा और जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होगा। देन ये किसकी वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ फीमेल फीटस टू एंड्रोजन्स इन अर्ली जेस्टेशन ड्यू टू मेटर्नल मेडिकेशन विद एंड्रोजन्स और प्रोजेस्टेशनल एजेंट लाइक डाई इथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल। मीन्स इट अकर्स व्हेन अ प्रेग्नेंट वूमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टेक्स हॉर्मोनल मेडिकेशंस सच एज एंड्रोजन्स और प्रोजेस्टेशनल एजेंट लाइक डाई इथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल। बिकॉज ऑफ दीज मेडिकेशन अ फीमेल फीटस इज एक्सपोज टू हॉर्मोन एंड्रोजन्स। नाउ एंड्रोजन्स इन फीमेल्स नाउ एंड्रोजन फीमेल्स में नॉर्मली सिक्रीट होता है जो कि स्टार्ट करता है प्यूबर्टी इन फीमेल्स एंड स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक एंड अंडर आर्म एरियाज, बट इफ इट इज सिक्रीट इन एक्सेस अमाउंट देन इट कैन लीड टू मेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स इन वुमेन्स। नाउ व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स, लार्ज क्लाइटोरिस होगा विच इज रिजेम्बलेंस ऑफ पेनिस। रिजेम्बलेंस मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी इन अपियरेंस। तो लार्ज क्लाइटोरिस होगा जो किसकी तरह दिखेगा, पेनिस की तरह। देन हाइपरट्रॉफी लेबिया मिजोरा होगा विच इज़ रिजेम्बलेंस ऑफ स्क्रॉटम। हाइपरट्रॉफिड मतलब जो लेबिया हाइपरट्रॉफिड मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, है ना। तो लेबिया माइजोरा जो होगी वो हाइपरट्रॉफिड होगी जो किसकी तरह दिखेगी, स्क्रॉटम की तरह। बिकॉज ऑफ दीज टू सिमिलैरिटी द फीमेल जेनिटेलिया रिजेम्बलेंस मेल जेनिटेलिया। देन नेक्स्ट इज मेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये कंडीशन किस में होगी, बॉयज़ में होगी, मेल्स में होगी। इसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, पेनिस स्मॉल होगा, हाइपोस्पिडियासिस होगा। व्हाट इज हाइपोस्पिडियासिस, हाइपोस्पिडियासिस इज अ कंजेनाइटल एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग विच इज़ ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पैनिस। वेंट्रल मतलब अंडर सरफेस। देन स्क्रॉटम जो होंगे वो विदाउट टेस्टीज होंगे जो किसकी तरह होंगे, वल्वा की तरह। ओके, वल्वा इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होगा वो इनकम्प्लीटली विरलाइज होगा या फिर कम्प्लीटली फीमेल होगा। एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होगा वो कम्प्लीटली फीमेल फीमेल की तरह होगा या इनकम्प्लीटली विरलाइज होगा। देन
इट अकर्स बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स और अ फेमिनाइजिंग ट्यूमर ऑफ द अनडिस्टेंडेड टेस्टीज. Then diagnostic evaluation. In this first one is a detailed history collection. History collection में आप क्या क्या करोगे? History लोगे, family history of ambiguous genitalia, abortion और early neonatal death, और intake of hormonal medication during pregnancy. Then physical examination करोगे. Then chromosomal study, gonadal study, urethroscopy. Urethroscopy is examination of upper urinary tract. Then vaginogram. What is vaginogram? It is a method which is done to visualize structures of the vagina. Then hormonal study, CT scan, MRI. Management depends upon the underlying cause and associated condition. Management किस पे depend करेगा? Causes पर and associated condition. उसके साथ क्या और conditions हैं? Then आप और क्या करोगे? Early diagnosis with specific management by hormonal therapy. Hormonal therapy दोगे plus steroid therapy दोगे and surgically reconstruct करोगे external genitalia को. After that support करोगे parents and family members को to cope with the condition. Then provide करोगे necessary instructions and health teaching. Thank you.